टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हालांकि बहुत अच्छी गाड़ी है, पर जो इसका प्राइस रखा गया है और वो उस प्राइस में लॉन्च होती है, तो क्या ये अच्छी गाड़ी हो सकती है? कि आपको इसको लेना चाहिए और इसके कितने वेरिएंट्स और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए और किस वेरिएंट की तरफ आपको जाना चाहिए और किसको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको। इसमें सनरूफ किस में मिलने वाला है, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी किस वेरिएंट में कितनी रहने वाली है, मतलब पूरा डिटेल्स मैं वेरिएंट्स एक्सप्लेन करूंगा और क्या ये इस प्राइस रेंज में अच्छी है कि नहीं उसके बारे में भी हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इनोवा हाई क्रॉस की जो प्राइस हमको बताई जाएगी इसके बेस मॉडल की, जो कि जी मॉडल है, उसके बाद जी एक्स मॉडल आएगा, वो अरिमन 20 to 22 लाख रुपीज़ से एक्स शोरूम बताई जा रही है, इस बीच में लॉन्च हो सकती है। मतलब कि ये 21, 22 या 23 इन तीनों के बीच में इसका एक्स शोरूम लॉन्च हो जाएगा जी मॉडल का। अगर जी मॉडल इसका 21 लाख एक्स शोरूम में लॉन्च होता है तो आप ये मत समझिए कि ये ऑन रोड वही 22-23 में जाएगा। आराम से टोयोटा का जो आरटीओ लगेगा इस गाड़ी के जो लेंथ के हिसाब से, वो आपको 2 लाख रुपये तो इसका आरटीओ लग जाएंगे कुछ कुछ सिटी में, और इसका इंश्योरेंस भी 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का होगा। तो आप मानेंगे चलिए अगर इसका बेस मॉडल 21 लाख में भी लॉन्च होता है तो आपको जाते जाते 23.5 लाख या 24 लाख रुपए ऑन रोड आपको गाड़ी पड़ जाएगी इसके बेस मॉडल की, जो कि ये जी मॉडल। और अगर आप जी एक्स मॉडल पे जाएंगे तो वो आपको 25 से 26 लाख रुपए तक का ऑन रोड पड़ेगा। और जो इंडोनेशियन मार्केट में जो ये निकली है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, उसकी जो प्राइस है मैं एस्टिमेट बता देता हूँ। वहाँ पे जो इसका ZX, VX और ZX ऑप्शनल मॉडल है, ZX है नाम है इस गाड़ी का वहाँ पे, तो उसकी प्राइस अपने पेट्रोल मॉडल जो बेस मॉडल है उससे 2 लाख रुपए ज़्यादा की गई है। और वहाँ पे जिस हिसाब से गाड़ियाँ लॉन्च होती है उसको, हम कोई भी गाड़ी ले लो और इंडियन मार्केट में हम कंपेयर करते हैं तो वो भी वही सेम प्राइस रेंज में 19-20 का फ़र्क आता है। अगर उसके पेट्रोल मॉडल से और हाइब्रिड मॉडल में 2 लाख का फ़र्क आ रहा है तो इंडिया में भी आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का फर्क आएगा, उससे ना ज़्यादा देखने को मिलेगा ना कम देखने को मिलेगा। तो अगर इसका बेस मॉडल हो गया जी और जी एक्स तो अपने को जेड एक्स आने में इसका 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए एक्स शोरूम ज़्यादा देना पड़ेगा, 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर इसका 23 लाख एक्स शोरूम अपना जी एक्स पड़ता है पेट्रोल मॉडल, तो अपने को हाइब्रिड इंजन जो जेड एक्स आएगा वो अपने को 27 लाख रुपए से एक्स शोरूम चालू हो जाएगा, जो कि ऑन रोड जाते जाते 30 लाख पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। और हो सकता है अगर 2 लाख इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ये 26 लाख में लॉन्च होकर जो जाते जाते आपको 28-29 लाख पड़ जाएगा। और कुछ कुछ सिटी का आरटीओ इतना महंगा रहता है तो उस वजह से गाड़ी का रेट बढ़ना है, और इंश्योरेंस तो आपके हाथ में रहता है तो मिनिमम भी आप इतनी बड़ी गाड़ी का इंश्योरेंस लेके चले तो 70,000 के ऊपर ही आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, उससे कम का इंश्योरेंस में नहीं हो सकता। बाकी आप आसाम से बिलोंग करते हो तो वहाँ का आरटीओ आपको कम देखने को मिलेगा, और बहुत सारी सिटी का कम है और कुछ कुछ सिटी का बहुत ज़्यादा रहता है आरटीओ। तो इस वजह से आपको ये गाड़ी अनुमानित मैं बता देता हूँ 30-34 लाख तक का टॉप मॉडल इसका आराम से जाएगा ऑन रोड, तो ज़्यादा भी जा सकता है, पर 32 लाख से नीचे तो इसका टॉप मॉडल नहीं जाने वाला। भले इसका बेस मॉडल 20 लाख रुपए भी दिखाया गया एक्स शोरूम, और वो भी बढ़े एक टाइम पे जाते, तो आप मानिए चलिए अगर आपको गाड़ी बुक कराना है तो इसका कौन सा वेरिएंट लेने के लिए वैल्यू फॉर मनी, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका पहला मॉडल आता है जी मॉडल, उसमें आपको कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ में आपको इसमें 2000 cc का TNGA 4 सिलेंडर 16 वाल्व इंजन देखने को मिलेगा इसके जी और जी एक्स मॉडल में। और इतनी बड़ी गाड़ी का 2000 cc का पेट्रोल इंजन रहेगा तो आप खुद सोचो ये एवरेज कितना निकाल के देगा। और इसको बहुत सारे कस्टमर लेने से ही हट जाएंगे क्योंकि इनोवा बहुत सारे लोगों को डीजल में ही पसंद थी, ये डीजल में ही इतना एवरेज निकाल के कम देता था, तो सोचो ये पेट्रोल में 2000 cc का इंजन है, साथ में इतनी बड़ी गाड़ी है और फुल फैमिली ट्रैवल करेगी, अब पूरा गाड़ी पैक होकर ट्रैवल करेंगे तो ये मुश्किल से आपको 6 या 7 का एवरेज निकाल के दे देगा सिटी में, उससे ज़्यादा ये देगा ही नहीं। और हाईवे पे ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 का एवरेज निकाल के देगा, कि पेट्रोल की स्कॉर्पियो NBI है वो मुश्किल से 8 या 10 ही देती है, उससे ज़्यादा वो नहीं दे रही है। तो आप इनोवा का भी अनुमान लगा सकते हैं, और ये तो पेट्रोल इंजन है, और इनोवा का जो पहला इनोवा क्रिस्टा का जो भी पेट्रोल इंजन आता था उसका भी एवरेज आप सभी को पता है, जो कि 8 से लेकर 11 के बीच में है, उससे ज़्यादा इनोवा पेट्रोल नहीं दे सकती। इनोवा में एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी देना चाहिए था बेस मॉडल में, क्योंकि हर कोई टॉप मॉडल प्रेफर नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो आपको जो बेस मॉडल है उसमें आपको अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेंगे, 16 इंचेस के आपको रिम देखने को मिलेंगे जो कि स्टील के रिम होने वाले हैं, उसमें टायर का प्रोफाइल आपको 16 इंच का देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो इसका BHP होने वाला है वो 174 BHP आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा, और जो इसका हाइब्रिड है उसका 186 BHP देखने को मिलेगा, मतलब 10 BHP का फर्क है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और बाकी आपको GX में एलॉय देखने को मिल जाएंगे,
और बाकी उसमें भी आपको एवरेज उतना ही निकाल के देगा। और इसमें एलईडी हेडलाइट तो मिलेगा, पर इसमें टू ट्विन एलईडी हेडलाइट मिलेगा, और जो ट्राई है एलईडी का सेटअप है वो आपको टॉप मॉडल मिलेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप हेडलाइट का इसमें चिंता मत कीजिए, आपको इसमें बेस मॉडल हो गया जो जियो है, जियो उसमें आपको ड्यूल एलईडी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सनरूफ पर, जो सबसे ज़्यादा नीड रहता भी है, नहीं भी रहता, इतना पैसा फंसा रहे हैं तो अपन, तो सनरूफ जो है पैनोरामिक सनरूफ ही आने वाला है। और वो डिसअपॉइंटिंग की बात ये है, वो आपको बस दो ही मॉडल में देखने को मिलेगा, जो कि है ZX और ZX ऑप्शनल। हाँ, और अगर आप VX भी लेते हैं जो कि इसका हाइब्रिड है, और उसका ऑन रोड भी मैं आपको बता दिया था कि वो भी आपको 28 लाख तक रुपये का पड़ जाएगा, अगर वो 26 लाख में लॉन्च होता है तो उसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा। तो इनोवा बहुत ही कॉस्ट कटिंग किया है इस गाड़ी में, अगर अब बाकी सबका अपना ओपिनियन है। और हालांकि ये एक MPV और SUV का मिक्सचर तो है, पर हालांकि ये MPV ही है, कोई SUV नहीं है, बस इसका लुक जो है वो SUV टाइप का बल्कि कर दिया गया है। और एक फन फैक्ट बता दो, MG हेक्टर का और न्यू इनोवा का जो सामने से लुक है वो हालांकि 19-20 सेम टाइप का दिखता है। बाकी तो ये मेरा ओपिनियन था, बहुत लोग का भी ऐसा मानना है, बाकी आपका क्या मानना है आप भी कमेंट सेक्शन करके बताना। और इनोवा हाई क्रॉस आपको वर्थ लग रही है इस प्राइस रेंज में, और आप लेना सही है वो भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूज कंट्रोल अपने को किस में मिलेगा। तो अगर आप इसका पेट्रोल का मॉडल लेंगे ZX और G, तो उसमें आपको कोई क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलने वाला है। और आप VX भी लेंगे, उसमें भी आपको सिर्फ क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, और जो अपना ZX ऑप्शनल है उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। मतलब कि ZX और VX में आपको सिर्फ क्रूज कंट्रोल देखने को तो मिलेगा, पर ZX ऑप्शनल गाड़ी है जो अपनी, उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। और जो बढ़िया बढ़िया जो फीचर्स दिए गए हैं, इतना जो एडास किया गया है, 6 एयरबैग दिया गया है, वो भी आपको सिर्फ ZX ऑप्शनल में और ZX में देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको 6 एयरबैग ZX में देखने को मिलेगा, बाकी जो एडास हो गया, लेन असिस्ट हो गया, वो आपको ZX ऑप्शनल में ही देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी तगड़े सेफ्टी के फीचर्स दिए गए हैं वो आपको ZX ऑप्शनल में ही देखने को मिलने वाले हैं। और टच स्क्रीन की जो बात कर ले, उससे पहले वीडियो पे अभी तक है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और डेली वीडियो अपलोड होती रहती है चैनल पे, तो आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, न्यू गाड़ी आई हो या कुछ नया हो आपके लिए, तो मैं जरूर ले आऊँगा। तो इसके जो 8 इंच में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले देखने को नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, वो आपको सिर्फ ZX और ZX ऑप्शनल में ही 10 इंच के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बाकी आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो देखने को मिलने वाला है ZX मॉडल में, और G में तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। और स्पीकर्स की हम बात करें तो जो 9 स्पीकर का जो JBL का सेटअप दिया गया है वो आपको ZX और ZX ऑप्शनल में ही देखने को मिलेगा, बाकी में आपको 4 स्पीकर नॉर्मल से देखने को मिलेगा, जो कि ZX और VX जो मॉडल इसका होने वाला है। बाकी तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे तो ये गाड़ी ओवर प्राइस लग रही है, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल लेने जाऊँ तो मेरे स्टेट में वो 36 लाख में इसका पेट्रोल का बेस मॉडल आ जाता है, और इसका जो पेट्रोल का जो बेस मॉडल होगा वो मेरे को ऑन रोड 23-24 लाख का पड़ जाएगा, और मेरे को एवरेज जो 7-8 की भी निकाल कर नहीं देगा, तो मैं इस गाड़ी का क्या करूँगा। तो मैं इससे अच्छा इसका VX मॉडल लेना ज़्यादा प्रीफर करता, अगर उसकी प्राइस अंडर 27 लाख या 28 लाख होती। बाकी प्राइस आने के बाद ही आपको पता चलेगा, जनवरी में इसकी प्राइस आ जाएगी। बाकी आपको बुकिंग कराना तो 50,000 बुकिंग अमाउंट देके बुक करा सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।